So, as this is the physics class, I'll just once again inform we have the physics class going on where we are studying the mathematical tools. But before we do, here is a short description of the knowledge gained, right? Why are we studying physics? First, हमने पढ़ा कि हम देख रहे हैं नॉलेज गेन करने के लिए. दूसरा, मैंने आपसे पूछा कि बच्चा बताओ कि हम फिजिक्स क्यों पढ़ रहे हैं. तो आपने बोला सर अपने आसपास की सराउंडिंग्स को समझने के लिए. उसका मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, जैसे अगर आप एक बात करो रेफ्रिजरेटर की, राइट, रेफ्रिजरेटर की, तो एक रेफ्रिजरेटर के लिए मैंने एग्जांपल दिया कि ऑब्जर्व करो कि कैसे पीछे गर्मी है रेफ्रिजरेटर के ड्यू टू द कॉइल्स बिहाइंड इट, जबकि इनसाइड एनीथिंग यू कीप योर कप फिल्ड विथ वाटर एंड टर्न्स इनटू आइस, राइट. सो दिस इज वन फिनोमिना. गिविंग एन एग्जाम्पल ऑफ द अदर, तुमने कभी ये ऑब्जर्व किया है इफ यू हैव वॉक्ड इन द रेन समटाइम. सो सपोज वी हैव क्लाउड्स हियर, इफ यू आर साइकिलिंग और मे बी इफ यू आर ऑन अ व्हीकल, सम काइंड ऑफ व्हीकल, राइट. सो हैव यू ऑब्जर्व्ड इट एनी टाइम दैट व्हेन यू आर मूविंग दिस वे, और अगर तुम सिर्फ खड़ी हो जाओ, दोनों केस में जो विंड या फिर जो रेन ड्रॉप्स हैं उनके लिए आपका डायरेक्शन बदल जाता है. ये ऑब्जर्व किया है कभी? जैसे इफ यू आर मूविंग वेरी फास्ट, तुम देखोगे रेन्स बहुत तेजी से तुम्हारे चेहरे पर आ रही हैं, लेकिन इफ यू आर जस्ट स्टैंडिंग देन यू विल जस्ट हैव सिंपल ड्रिजल ऑन योर हेड. हैव यू ऑब्जर्व्ड इट एवर? यस सर. इफ यू आर स्टेडी, दैट इज इफ योर वेलोसिटी जीरो, यू आर नॉट मूविंग एट ऑल, देन यू माइट ऑब्जर्व दैट विंड वेलोसिटी और द रेन वेलोसिटी इज स्टेडी फॉर यू, राइट. वेयर एज व्हेन यू स्टार्ट मूविंग, अचानक से वो रेन तुम्हारे चेहरे से टकराने लगती है. एनी आइडिया ऐसा क्यों होता है कि हम चल रहे हैं तो रेन हमसे आके क्यों टकरा रही है तेजी से? एनी रीजन, कोई ऐसा लाइक एक्सपीरियंस या थॉट ऑन दैट बच्चा? नो सर. यस, तो ऐसी ही चीजें, लाइक व्हाई ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग. एक और एग्जांपल देता हूँ, राइट, इससे कुछ मिलता जुलता. ऑब्जर्व किया तो होगा तुमने कि अगर सपोज लेट मी ड्रॉ स्मॉल box here, this one, and then one more. Let's say this is a train, right? एक train है जहाँ पर which is moving maybe on some railway track. तुम इस train में बैठी हो. What you observe is जैसी train चलना शुरू होती है. So let's say you are here in the train, right? And as soon as the train starts moving, you as a person or the observer in the train, what do you feel? कि आसपास जो चीजें हैं वो पीछे की तरफ जा रही हैं. सपोज यहाँ पर अगर एक पेड़ है आउटसाइड द ट्रेन, इट सीम्स टू बी मूविंग बैकवर्ड्स. ये ऑब्जर्व किया है कभी? यस सर. जब ट्रेन आगे जा रही है तो हमको लगता है कि जो भी पीछे है, लाइक जो भी आसपास बाहर की तरफ है, वो सारी चीजें पीछे जा रही है. लेकिन ऐसा होता है क्या एक्चुअली? ऑब्जर्व तो कर रहे हो, ऐसा होता है क्या? डू एक्चुअली थिंग्स मूव बैकवर्ड्स? नहीं नहीं, लेकिन फिर भी लगता है ऐसा हो रहा है. इसका मतलब हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो ऐसा लगता है हो रही हैं, बट एक्चुअली वो ऐसा कुछ है ही नहीं. इट्स जस्ट अबाउट द पर्सपेक्टिव. मुझे एक बात बताना, राइट. सपोज ये है यू, ये आप हो, लेट से ए, या आपकी दोस्त खड़ी है, राइट, से लेट से बी. तो फॉर योर फ्रेंड हु इज स्टैंडिंग आउटसाइड, क्या उसके लिए भी वो पेड़ वैसे ही मूव कर रहा है जैसा आपके लिए मूव कर रहा है व्हेन यू आर सिटिंग इनसाइड द? नहीं, उसके लिए वो स्टेशनरी है. उसके लिए वो स्टेशनरी है. तो अगर मैं अब आपसे पूछूं कि बताओ भाई कि वो पेड़ मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो क्या जवाब दोगे? आप ट्रेन में हो, ट्रेन मोशन में है, इसीलिए वो मुझे मूव करता हुआ लग रहा है, बट एक्चुअल में वो स्टेशनरी है. लेकिन ट्रेन की वजह से कोई और चीज मूव करती हुई क्यों दिखेगी? ट्रेन एक्चुअल रियलिटी तो ये है जो तुम कह रही हो कि ट्रेन मूव कर रही है. तो फिर ऑब्जर्व ऐसा क्यों होता है कि पेड़ मूव कर रहा है? सोचो सोचो. नो आइडिया. लेकिन हाँ, लेकिन इतना तो हमको आइडिया है कि हाँ, ट्रेन का मूव करना इस प्रोसेस को ट्रिगर कर रहा है, राइट अन्या? यस सर. है ना? तो इसी तरह के सवाल आर द वंस व्हिच आर गोइंग टू बी आंसर्ड बाय अ सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स, राइट. सो राइट, वी विल बी सीइंग ऑल ऑफ दिस एज वी आर कवरिंग द सिलेबस वन बाय वन वन बाय वन. हम हर चैप्टर में कहीं ना कहीं इन चीजों को कंसिडर करेंगे और इसका जवाब खोजेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, या देखेंगे इन क्वेश्चंस को, ठीक है? तब मैं आपको याद दिलाऊंगा कि देखो बच्चा, याद आ रहा है क्या ये चीज हमने फर्स्ट क्लास में देखी थी, ये इस चीज का एप्लीकेशन है, आर यू एबल टू रिलेट इट, राइट. ये तो हो गया एज अ स्टूडेंट कि आप आसपास, या एज एन ऑब्जर्वर हु इज द ऑब्जर्वर ऑफ सराउंडिंग्स, जो भी आपके आसपास हो रहा है. इफ यू हैव दिस हैबिट ऑफ बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करने की चीजों को,
so you'll be able to relate with things. Mujhe ek baat batao, as a person who is going to become a doctor, right? Aap NEET ka paper de rahe ho, to aapka purpose ye hai ki aap doctor banna cha rahe ho. Haan ya na? Yes, sir. Aap mujhe batao, ek doctor ke liye physics padhna kyun zaruri hai? Better understanding ke liye. Kis cheez ki better understanding? Koi example do. बिल्कुल सही, यू आर वेरी वेरी क्लोज, बिल्कुल सही. किस तरह की अंडरस्टैंडिंग? जैसे जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, वी विल टेक एन एग्जांपल. लेट्स से यू हैव गॉन, लाइक गॉड फॉरबिड, देयर इज, लेट्स से एनी पेशेंट, राइट, एनी पेशेंट विजिट्स द डॉक्टर एंड द पेशेंट से डॉक्टर कहता है कि आपको एक्सरे स्कैन कराना पड़ेगा. ये सुना है नाम, एक्सरे स्कैन? Yes, sir. Now there are different specific doctors जो X-ray scan में train किए जाते हैं, radiologists कहते हैं उनको, right? या फिर you must have heard कि there are people who like suppose if somebody is suffering from cancer, then उनके लिए there is a therapy called as radiotherapy. Have you ever heard of it? Yes, sir. Right? तो ये सब चीजें, यानी कि ये सब devices कौन operate कर सकता है, या कौन इनकी समझ को जान सकता है? As a doctor, क्या ये तुम्हारा काम नहीं है कि you should know कि एक एक्सरे डिवाइस क्या कर रहा है या क्या इम्पैक्ट डाल सकता है एनिमल टिश्यूज पे या ह्यूमन टिश्यूज पे बिफोर यू रिकमेंड इट टू योर पेशेंट? हाँ या ना? क्लियर हो रहा है बच्चा? हाँ. कि अगर एक एक्सरे किसी एक ह्यूमन बॉडी से टच करती है तो क्या मैं एक इंसान को एक दो घंटा एक्सरे की मशीन में बिठा के रख सकता हूँ क्या? कैन आई डू दैट? और विल इट बी वेरी हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बॉडी? It will be very harmful, right? अब वो किस तरह से harm कर सकता है, या फिर X-ray का source क्या है, X-ray कैसे बनती है? अगर ये बात एक doctor जान जाए, right? Then that will actually expand the level the way the doctor thinks about devices around him. Am I clear? Yes, sir. Am I being able to put properly? मैं क्यों कह रहा हूँ कि एक doctor का पढ़ा लिखा होना क्यों जरूरी है? When it especially comes to physics, right? Yes, sir. Clear हो रहा है? These are just few random examples जो मैंने आपको दिए ये बात समझाने के लिए कि सिर्फ आपको कोई पेशेंट को ऐसा नहीं बोलना है कि आप ये टेस्ट करा लीजिए. वो टेस्ट कराने पर पेशेंट पर क्या क्या नुकसान या अच्छी चीजें बुरी चीजें हो सकती है. एक और सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं. आपने सुना है इसके बारे में, स्टेथोस्कोप? Yes, sir. क्या होता है स्टेथोस्कोप? उससे हार्ट बीट मेजर करते हैं. एक और डिवाइस होता है स्फिग्मोमैनोमीटर, सुना है क्या उसके बारे में? Yes, sir, I've heard of it. बताओ क्या होता है? वो मुझे अच्छे से नहीं पता. कोई बात नहीं. देखो, आपने देखा होगा whenever you go to doctors, वो आपके हाथ पर एक बेल्ट बांधते हैं, right? और फिर उनके पास एक ऐसे पंप होता है, they pump it, right? And you see, BP pressure measure करने के लिए. Yes, yes, yes. So for the measuring of or the like for the process of measurement of blood pressure of your body, we use a device called as sphygmomanometer, right? So, अब ये sphygmomanometer कैसे काम करता है? Why does it work the way it does, right? या फिर thermometer देखा है आपने, right? तो एक doctor के आप कभी पास जाते हैं तो कई बार वो आपके body के temperature measurement के लिए thermometer का use करते हैं, right? Body thermometer. कैसे काम करता है एक thermometer, right? तुमने देखा होगा कभी, if you have used a thermometer, that as soon as you put it at any part of your body, right? Or you either put in your mouth, थोड़ी देर के बाद the mercury level starts rising in it, right? Yes, sir. Why does it happen? Heat की वजह से वो rise होता है. Heat की वजह से mercury का expansion होता है. तो अब इन्हीं aspects या इन्हीं phenomena का mathematical version कि mercury कैसे rise हो रहा है, या फिर mercury ही क्यों rise हो रहा है, हम mercury ही क्यों use कर रहे हैं, उसमें कोई और substance क्यों use नहीं कर रहे, right? तो इस तरह के सवालों का जवाब is what comes to you when you are studying a subject like physics, especially when it talks about class 11th and 10th. Right. So do I make my point clear to you, bacha? Why do we study physics in the first place? Yes, sir. ठीक है. So this was my first point जो मैं आपको रखना चाहता था in front of you, that this is how we go about things, right? Of course, इसके बाद वो points तो बिल्कुल है ही, that whenever you study a subject like physics, it is going to help you with your general understanding of the world, etc. But once you are done with all of this, आपका जो third point है,
right? The focus of your study should be आप क्लास 11th और 12th के एग्जाम्स को अच्छे से समझ क्लियर करने के लिए कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी राइट और फॉर्मूलाज प्लस न्यूमेरिकल एबिलिटी होनी चाहिए राइट यस सर सो यू शुड हैव दीज थ्री थिंग्स इन ऑर्डर टू मेक श्योर समझ के अलावा कि अच्छी समझ तो है ही दुनिया की बट एट द सेम टाइम यू शुड बी एबल टू सॉल्व ऑल ऑफ दिस सो दैट यू कैन क्लियर योर क्लास 11th एंड 12th एग्जाम इन फ्लाइंग कलर Am I clear on this aspect, Disha? Yes, sir. Right? ठीक है. इसके बाद अगला step आता है your competitive examination. चाहे फिर अब वो NEET exam हो या फिर वो JEE exam हो. तो JEE is the exam, joint entrance exam, whereas NEET is the exam for the medical. ये आप जानते हैं, right? जिसमें you have higher order thinking questions, जो कि all of the questions are either numerical based, right? और ऑफ कोर्स न्यूमेरिकल्स के साथ साथ यू हैव सम थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट एट द सेम टाइम इन द क्वेश्चंस जो कि आपको धीरे धीरे क्लियर होगा व्हेन यू आर रीडिंग द स्कोर्स व्हेन यू आर स्टडिंग द बुक्स राइट जब आप सॉल्व करते जाओगे जिसमें आपके पास जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दे आर ऑफ द एमसीक्यू पैटर्न राइट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एम आई क्लियर यस सर जहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा यू हैव ऑप्शन ए बी सी डी राइट एंड देन यू कैन अकॉर्डिंगली प्रोसीड ठीक है सो डू आई मेक इट क्लियर टू यू अब समझ में आया कि हम क्यों पढ़ रहे हैं फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट यहाँ पर इन द क्लास फर्स्ट टू गेन नॉलेज सेकंड इन ऑर्डर टू नो अबाउट द वर्ल्ड कैसे और क्यों मैंने आपको बताया एक ऑब्जर्वर के पर्सपेक्टिव से और एक डॉक्टर के पर्सपेक्टिव से राइट एंड देन ऑफकोर्स आपको अपने 11th और 12th के एग्जाम अच्छे से क्लियर करने हैं एंड देन जेई और नीट जो भी आप एग्जाम एम कर रहे हो जिसे आप नीट कर रहे हो तो नीट के एग्जाम को बहुत अच्छे से लाइक अपन को पार करना है राइट Yes, sir. अच्छा ये पॉइंट क्लियर है जिसकी मैंने अभी बात की yes, sir. Right. ठीक है सो दिस इज द फर्स्ट एंड लाइक बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट दिस कोर्स इज गोइंग टू बी अबाउट नाउ कमिंग टू द चैप्टर व्हिच आई हैव स्टार्टेड विद एवरीवन सो देखो बच्चा ऐसा है कि फिजिक्स में ना यू विल हैव एनी टॉपिक राइट व्हेन यू एनी पर्टिकुलर टॉपिक यू टेक अप उसमें यू हैव टू एस्पेक्ट्स वन इज द थ्योरी या फिर कॉन्सेप्ट उस क्वेश्चन का यू रीड द थ्योरी यू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट क्या है राइट देन अगला पार्ट होता है कैलकुलेशंस का दैट इज और इसको और बेटर जॉन से कहें तो न्यूमेरिकल्स का राइट जिसमें आपको जरूरी है आपकी कैलकुलेशंस का क्विक होना राइट तो अक्रॉस दिस स्पैन ऑफ टू ईयर्स आपका सिर्फ एम सब्जेक्ट को पढ़ना नहीं रहेगा आपका एम क्या रहेगा कि आप अपनी कैलकुलेशंस में दो चीजों का बैलेंस लाओ पहला क्या प्रिसाइसनेस मतलब आप कितना सही हो काम को करने में और दूसरा आपकी स्पीड यानी कि आप कितना तेजी से कोई क्वेश्चन बना रहे हैं आई गिव यू वन एग्जाम्पल मुझे बताओ 80+59 कितना होता है सर कैन यू प्लीज रिपीट आई विल रिपीट 80+59 139 absolutely correct right I'll give you one more question 139 minus 58 79 sure yes sir 79 dekho try karo no sir 81 क्लियर हो रहा है मैंने क्या एग्जांपल दिया मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि आप बेसिक मैथमेटिक कैलकुलेशन शुड बी वेरी क्विक मतलब सिर्फ बड़ी बड़ी चीजों को सीख लेने से आप नीट या फिर जेई एग्जाम के टॉपर्स नहीं बन जाते हैं अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे करना क्या है उन एग्जाम्स मैंने आपको बताया ना आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं जिसका पहला लेवल होता है कि जो क्वेश्चन में कहा गया है उसको समझना दूसरा लेवल होता है लाइक फर्स्ट लेवल राइट आई विल राइट इट डाउन हियर मे बी मोर क्लियरली So, whenever you tackle an MCQ or a multiple choice question, आपका पहला step होता है कि आप question को समझ सको, understand the question. Then you are able to relate it with what you have already read. ये अगला part है, relating, right? To relate with what you have already read. अच्छा, क्योंकि आप NEET का paper दे रहे हो ना बच्चा, तो you will have to have a very strong dealing with the formulas, right?
आपकी जो फॉर्मूलाज होने चाहिए दिमाग में ऐसे बैठे हो, जैसे अगर मैं आपको रात को 4 बजे भी उठा के बोलूं कि ए मेरा बच्चा मुझे बताओ कि मोमेंटम क्या होता है, तो आपके दिमाग से फटाक से आंसर आने चाहिए, सर मोमेंटम का ये फॉर्मूला है, राइट? या जैसे लेट्स टेक वन एग्जांपल, आपने क्लास 9th-10th में स्ट्रेट लाइन के लिए या फिर कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन के लिए 3 इक्वेशंस पढ़ी होंगी, वो याद है क्या आपको बच्चा? Like v is equal to u plus at, याद आ रहा है क्या? Yes sir. बताओ अगली इक्वेशन क्या थी? S is equal to ut plus half at square, याद आ रहा है? Yes sir. इस तरह से आखिरी इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, v square is equal to u square plus 2as. Can you relate it? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि yes, sir. ये फॉर्मूलाज या ये चीजें ऐसी नहीं होनी चाहिए कि फैकल्टी आपको लाइक अभी तो हमने पढ़ा ही नहीं है, जब हम पढ़ लेंगे उसके बाद की बात कर रहे हैं, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं आज कहूँ कि भाई बच्चा याद कर लो, आपने याद कर लिया, फिर एक हफ्ते बाद फिर से पूछूं याद है क्या, फिर आप बोलो सर भूल गए, राइट? तो हमें क्या इंश्योर करना है कि हम कॉन्स्टेंट रिविजन करते रहें. तो ये फॉर्मूलाज कब याद रहेंगे? जब आप क्या कर रहे हो एज अ स्टूडेंट. यस बच्चा बोलो, वॉट इज दैट यू विल बी डूइंग in order to revise? Bolo, bolo. Revision. Revision. Every day. मतलब हर दिन जो आपको क्लास में कराया जा रहा है उसी दिन वो घर पर रिवाइज करना है बिफोर यू स्लीप. एम आई क्लियर बच्चा? Yes, sir. है ना, तो अपन को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लेनी है खुद से कि हम लोग जो भी क्लास में कर रहे हैं उसका सोने से पहले एक बार अच्छा रिविजन करना है. इसके लिए आप एक कॉपी बनाओगे, राइट? यू विल मेक अ कॉपी वेयर यू विल बी jotting down whatever we have done. Of course that will be a class copy. You will have a revision copy, right? Where jo bhi maine aap se kaha hai ya subah class mein padhaya hai ya dopahar mein padhaya hai before you sleep, jaise agar suppose aap raat ke 11 baje so jate hain, right? So at least 1 hour before that is say at 10 o'clock ya 9 o'clock pe you are revising whatever we have read in the afternoon. Bhale aap usko 10 to 15 minutes mein karo, koi dikkat nahi hai. Quickly bas ek baar dekh lo, फॉर्मूलाज को 4 बार बोल के देख लो, लिख के देख लो, उन न्यूमेरिकल्स को फिर से बना लो जो हमने क्लास में किए हैं, राइट? या फिर वो असाइनमेंट कर लो जो मैंने आपको दिए हैं, राइट? तो टेक मैक्सिमम 20 मिनट्स, राइट? एक 20 मिनट का स्लॉट रखो जिसमें आप हर दिन एक रिविजन कॉपी में उन चीजों को दोबारा क्विक हैंड से बना के देख रहे हो. एम आई एबल टू क्लियरली कन्वे द मैसेज बच्चा? यस सर. ठीक है, सो दिस इज द नेक्स्ट स्टेप. अगला होगा कि आपके पास एक फॉर्मूला कॉपी बनानी है. फॉर्मूला कॉपी क्या होती है, एनी आइडिया? क्या करेगी आपकी फॉर्मूला कॉपी? क्यों उस कॉपी में सारे फॉर्मूलाज लिख के रात में उसे एक बार रिवाइज कर लेंगे. ठीक है, और क्यों लिखना है, पर्पस क्या है, क्यों बनानी है फॉर्मूला कॉपी? कि फॉर्मूलाज लॉन्ग टर्म तक याद रहे अच्छे से. राइट, और सिर्फ फॉर्मूलाज नहीं, उसके साथ क्या याद होना चाहिए, उनका एप्लीकेशन, न्यूमेरिकल्स. राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट. तो देखो आपके पास एक कॉपी होगी जिसको आप नाम दोगे फॉर्मूला कॉपी, राइट? तो सपोज दिस इज कॉपी, तो इस कॉपी में आपको क्या करना है, सुनो. तो जैसे अपन सपोज अभी जो चैप्टर कर रहे हैं, जो अभी जिसके अभी आई टेल यू द बेसिक्स, तो उस चैप्टर में यू विल हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव, लेट्स से वी आर डूइंग मैथमेटिकल टूल्स, तो आप यहाँ पे हेडिंग देंगे मैथमेटिकल टूल्स, राइट? एंड देन वन बाय वन आप यहाँ पर फॉर्मूला लिखोगे, राइट? देन उसके बाद उससे जुड़े हुए 2 या 3 एग्जाम्पल या 1 एग्जाम्पल जितने भी सफिशिएंट है उस फॉर्मूला को समझने के लिए, राइट? तो अभी जब हम क्लास में देख रहे हैं ना, तो मैं आपको कुछ कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, तो चाहे आप क्लास के क्वेश्चन लिखो या फिर मैं आप लोगों को जो बुक्स रिकमेंड करूंगा आप वो भी उन बुक से भी उसके एग्जाम्पल्स ले सकते हो, उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन ले सकते हो, एक्सेट्रा. अच्छा, डू यू हैव यू ऑलरेडी बॉट एनी बुक बच्चा फॉर योर सेल्फ? सर ओनली एनसीईआरटी. एनसीईआरटी ना, ठीक है. तो देखो जैसे भी आपके एंड पर अरेंज हो सको हो सके आप अरेंज करना. आई एम टेलिंग यू अबाउट द बुक्स विच वी आर फॉलोइंग इन द क्लास. सो मैं अपने बच्चों से जो किताबें सॉल्व करवाता हूँ प्लस मैं उनके साथ खुद करता हूँ, तो द फर्स्ट बुक इज ऑफकोर्स आपको एनसीईआरटी स्कूल के लेवल के लिए तो पढ़नी ही है, राइट? यस सर. आफ्टर विच कम्स द कॉम्पिटिटिव लेवल, जो एज आपको गेन करना है, यानी कि इन एग्जाम्स के लिए जैसे आप नीट दे रहे हो, तो वी ऑल हैव टू रीड और
do this from a book called Objective Approach to Physics by DC Pandey. If you wish, agar aap chahoge, to I'll send you the link of the book Objective Approach to. Suppose आप मेरे यहाँ join करने का plan करते हैं, right? So you can buy these books. Otherwise, जहाँ भी आप join करोगे, just telling you the pattern of the books, right? Objective Approach to Physics, ठीक है? तो हम लोग क्लास में क्या करेंगे? कुछ मैं आप लोगों को थ्योरी और न्यूमेरिकल्स इस ढंग से कराऊंगा कि आपके इस बुक के अधिकतर क्वेश्चंस बनने लगेंगे. जो जो नहीं बनेंगे, राइट, मैं आप लोगों को एक टाइम दूंगा कि भले देखो आज आपको यहां से लेकर यहां तक ये वाला लेवल वन या लेवल टू सॉल्व करना है, आप लोग सॉल्व करेंगे और फिर मैं आप लोगों के लिए, मतलब मैं अपने बच्चों के लिए प्रैक्टिस क्लास रखता हूँ. सो प्रैक्टिस क्लास में क्या होता है, जो भी क्वेश्चंस आपसे नहीं बने उनको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे एंड देन जो भी बच्चों को डाउट है मैं उनके साथ यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ. क्लियर हुआ क्या बच्चा यहाँ तक? यस सर. राइट, जस्ट गिव मी अ मिनट. हेलो, बच्चा कैन यू हियर मी? सर यू आर नॉट ऑडिबल. आई रिपीट, एनया कैन यू हियर मी? यस सर. ऑलराइट, सो एज आई वाज सेइंग कि हम लोग एक बुक ये फॉलो करते हैं, दैट इज ऑब्जेक्टिव अप्रोच टू फिजिक्स इन आवर क्लासेस, राइट? देन वी फॉलो अ बुक कॉल्ड एज एचसी वर्मा, दैट इज the actual book's name is Concepts of Physics by H.C. Verma. Concepts of Physics by H.C. Verma. Right? It will be available in two volumes, volume 1 and volume 2. So, na, books alag alag type ki hoti hai. One are called reference books, the other are called theory books, some are called numerical books. So, ye jo book hai na, jiski maine baat ki, Objective Approach to Physics, iske author hai D.C. Pandey. And this book is basically a numerical book. मतलब इसमें आपके पास theory तो है ही, but at the same time इसका main purpose है आपकी numerical ability पे work करना, ठीक है? DC Pandey से आप लोग जो भी मैं theory कर रहा हूँ ना, वहाँ से भी पढ़ेंगे, right? मेरी class के अलावा, and then जो भी doubts होंगे आप मुझसे discuss कर सकते हो in the practice class, ठीक है बच्चा? Yes sir. All right. तो once you're done with all of this, एक और किताब है जिसका नाम है General Problems in Physics by I.E. Irodo. Author का नाम है I.E. Irodo. ये physics की काफी अच्छी like book मानी जाती है जो बहुत application based है, right? And every year you find different questions from this book in all kind of examinations like based on this book. Beat JEE और be it NEET etc. right? आपको इससे जुड़े हुए questions मिलते हैं, मतलब application based इस किताब में. इस this किताब is a higher level, तो इसलिए हम हर question नहीं करेंगे, हम कुछ selective questions करेंगे, right? Clear हो रहा है बच्चा? Yes sir. लिख लिया आपने अपने पास whatever आप? Yes sir. Until now. Everything on the board is with you बच्चा? Yes sir. ठीक है. So let us then move to the next part. Okay, so now coming to the mathematical concepts jo main aap logon ke sath discuss kar raha hu, give me a minute, I'll just get back to you. Just 1 minute, right bacha? One. Yes sir. Right, so as I was saying, मैथमेटिकल टूल्स में हम पहला पार्ट देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. गिव द हेडिंग, ये आपने ऑलरेडी क्लास 11 क्लास 10th में पढ़ा होगा, बट देन अगेन दिस इज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग जो आपके पास होनी चाहिए. सो यू हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. लिख लिया आपने बच्चा? यस सर. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है अकॉर्डिंग टू यू? Let me know.
हेलो बच्चा, क्लियर है क्या क्वेश्चन? यस एन्य, एन्य एम आई क्लियर टू यू बच्चा? इज द क्वेश्चन क्लियर? हाँ, सोच के बताओ क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? पहले सुना है क्या ये टर्म कहीं पर? यस सर। हाँ हाँ, सोचो सोचो। देखो ऐसा होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज अ अलजेब्रिक इक्वेशन। हाँ, अलजेब्रिक इक्वेशन इन व्हिच एक्स, द टर्म एक्स हैव सम डिग्रीज। राइट राइट, जैसे देखो ax स्क्वायर प्लस, आई विल राइट इट इवन क्लियरली। सो सपोज यू हैव एन इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, राइट? ये क्या कहलाती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हाईएस्ट पावर कितना रहता है? 2, राइट? यस सर, है ना? तो हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ये जानती हो रूट क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? व्हाट इज मेंट बाय द टर्म रूट? रूट का मतलब है एक्स की वो सारी वैल्यूज, द वैल्यूज ऑफ एक्स, या एक्स वैल्यूज, द वैल्यूज ऑफ एक्स which satisfy the above equation, which satisfy the above equation. Satisfy करने का क्या मतलब है? कि अगर x की value, suppose मैं right LHS में 2 डालूं और वो RHS, यानी RHS कितना है इस question में? Right hand side कितना है? 0, right? तो अगर मैं यहाँ पर on the LHS x की कोई value डालूं, so that value should actually give me 0 when that is equal to RHS. तो ऐसी x की वैल्यूज को हम क्या कहेंगे? रूट्स कहेंगे। क्लियर है क्या बच्चा? यस सर। अच्छे से एकदम, कि रूट क्या होता है? यस सर। अच्छा, इसके बारे में आपने एक और चीज पढ़ी होगी कि हमारे पास देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज सम ऑफ रूट्स। ये पढ़ा पढ़ा कुछ लग रहा है क्या? एंड देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। यस सर। बोलो। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। Alpha into beta is equal to c upon a. Absolutely correct, bacha. Absolutely correct. So, isi alpha or beta ke liye, I'm using the term x1 and x2. ठीक है? So, where x1 and x2 are roots of the equation given above. ठीक है? So, I'm writing x1 plus x2, that is the sum of roots is minus b by a, whereas the product of roots is equal to c by a. Right? Yes, sir. लिख लो अपने पास. Write it down. Sir, written. Written? Okay, बच्चों, ठीक है। तो अब इसी तरह से अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका मुझे डायरेक्टली रूट लेना है इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड सी, बोलो वैल्यू क्या होती है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, बोलो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। ये याद आ रहा है क्या? टू ए, यस सर। राइट, बोलो एक बार दोबारा से रिपीट करो। x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. अब याद रहेगा? Yes sir. पक्का? Yes sir. Okay, तो चलो, I'm giving one question, उसको solve करो। x square minus x plus 1 is equal to 0, right? Find out the root of the equation. Or let's say I'll add something here, I'll add 2 over here. हाँ, अब लिखो। कैसे करोगे? x, इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले बताओ a कितना है? 1, b कितना है? 2, माइनस 2, माइनस 2, एब्सोल्युटली करेक्ट। c कितना है? प्लस 1, अच्छा, रूट्स कैसे निकालोगे? x इज इक्वल टू, बोलो, माइनस x इक्वल टू माइनस, माइनस b मतलब कितना हो जाएगा? 2, 2, राइट, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर इज 4, right? Minus of 4 times of a into c, मतलब 1 into 1, right? Yes, sir. 1 into 1 कितना हो जाएगा? 1, right? Upon 2a, 2 into 1, correct? Yes, sir. क्या हो जाएगा? Answer बोलो. 2 upon 2, है ना? Which is equal to 1. ये बात clear हो रही है क्या बच्चा? Yes, sir. अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जरूर हम क्या लिख सकते हैं? X minus 1 into x minus 1 is equal to 0. Hai ya na?
Yes, क्योंकि sir. देखो इसकी दोनों रूट्स कितनी आ रही हैं, वन आ रही है, हाँ या ना? इसमें दो आंसर आ रहे हैं कि वन, एक एक ही आंसर आ रहा है बच्चा? एक आंसर. एक आंसर आ रहा है, इसका मतलब जरूर ये दिस शुड बी द एक्सपेंशन ऑफ द फॉर्मूला एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, हाँ या ना? इसलिए उसमें इक्वल रूट्स होंगे. एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चा, कनेक्ट कर पा रहे हो जो मैंने एग्जांपल दिया? आर यू एबल टू कनेक्ट विद व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल कि कैसे हमको रूट्स निकालनी है और इसकी अब जरूरत कहाँ पड़ेगी? जैसे आई विल गिव यू वन एग्जांपल, आप लोग एक चैप्टर पढ़ोगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जिसमें आप पढ़ोगे मोशन इन अ ग्रेविटी के बारे में. ये पहले 9th-10th में बच्चा आपने पढ़ा है क्या? यस सर. मोशन इन अ ग्रेविटी पढ़ा है. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक इक्वेशन होगी जिसमें आप कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे कि कैसे अगर एक इंसान ने एक बॉल ऊपर की तरफ उछाली है तो वो किसी एक पॉइंट को दो बार क्रॉस करती है, लेट्स से एट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, राइट? तो सपोज ऐसा फाइंड करने के लिए वो टाइम है t1 और वो टाइम है t2. अब मैं पूछता हूँ आपसे कि t1 और t2 का रिलेशन बताओ, राइट? जिसपे उसने एक ही हाइट को क्रॉस किया है दो बार और वो हाइट है सपोज h, तो आप कौन सी इक्वेशन यूज करोगे? देखो वो वाली इक्वेशन जो अभी हमने देखी थी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. की थी हमने इसकी यूज अभी अभी, राइट? ये इक्वेशन हमने यूज किया था. तो इस इक्वेशन में आप बेसिकली जब आप इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे यू विल एक्चुअली बी अंडरस्टैंडिंग कि कैसे इसमें आपको एच टी वन टी टू का सब्सटीट्यूशन करना है. आपके पास बेसिकली इक्वेशन आएगी टी स्क्वायर के टर्म्स में, लेट्स से टी स्क्वायर, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, ठीक है, लेट्स से टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन और यहाँ पर लेट्स से टू, राइट? एंड यू हैव समथिंग, राइट? और मे बी इक्वल टू जीरो, व्हाटएवर. नाउ यू विल बी आस्क्ड कि भाई इसके जो दो रूट्स हैं वो कौन कौन से दो टाइम्स हो जाएंगे, t1 और t2, जिनका प्रोडक्ट आप लिख सकते हो और जिनका क्या लिख सकते हो, सम इन टर्म्स ऑफ h. क्लियर हो रही है क्या बात बच्चा? Yes, समझ में आ रहा है कि कैसे रिलेट होगी बाद में जाके चीजें? यस सर. रिलेशन लाइक गॉज कर पा रहे हो? यस सर. आई एम जस्ट गिविंग यू अ वेरी रफ एट द सेम टाइम वेरी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कि कहां ये सब चीजें काम आनी है, ठीक है? अब याद रहेगा, बोलो रूट कितनी होती है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चा, वेरी गुड वेरी गुड. ठीक है, तो अब हमने समझ लिया एक एस्पेक्ट, जो भी मैंने बोर्ड पे लिखा है शुड आई रब इट, आपने लिख लिया है वो बच्चा? यस सर. सब कुछ? यस सर. ये एग्जांपल लिख लिया जो मैंने आपको बताया? यस सर. So let's rub it. ठीक है, अगला पार्ट, आपने ये वर्ड पहले पढ़ा है क्या, ट्रिग्नोमेट्री? यस सर. क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री बताओ आप एक लैंग्वेज में जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग हो. सर इट इज एप्लीकेबल इन अ राइट एंगल ट्रायंगल. एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चा, उसी राइट एंगल ट्रायंगल को हम कहते हैं राइट ट्रायंगल. क्या कहते हैं? राइट ट्रायंगल. एक राइट ट्रायंगल का मतलब होता है एक ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री है, ठीक है? यस सर. सो लेट्स से वी हैव अ ट्रायंगल दिस वे, इसको आप एक नाम दे दो, लेट्स से लेट्स नेम इट So let's name this triangle as A, B and C. ठीक है? Now इस triangle के लिए, right? इस triangle के लिए आपके पास just one minute, right? Yeah. So coming back, as I just told, कि आपके पास सपोज आप इसमें एक एंगल लेते हैं, लेट्स से दैट एंगल इज थीटा, ठीक है? अब इस थीटा के लिए आप जानते हो कि जो भी यहाँ पर एसी है वो क्या कहलाता है, हाइपोटेन्यूस बेस परपेंडिकुलर, ये बताइए जानते हो? यस सर. क्या कहलाता है बताओ?
एसी इज बेस. एसी इज बेस, एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चा. और ए बी क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर, एब्सोल्युटली करेक्ट. सो वी हैव दिस कॉल्ड एज परपेंडिकुलर, राइट? एंड दिस वन इज कॉल्ड एज हाइपोटेन्यूज. एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चा. तो जैसे आपके पास ये तीन चीजें समझ में आई, अगला पार्ट होता है ये रेशियोज, जिसको अपन कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. बताओ कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो जानती हो? साइन थीटा, कॉस थीटा, राइट, टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा. एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चा, कमेंडेबल. तो आपके पास साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा. बोलो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो अभी के केस में क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन बी सी. उसी तरह से कॉस थीटा क्या हो जाएगा? बोलो ए सी अपॉन बी सी. ए सी अपॉन बी सी. टैन थीटा क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन ए सी. ए बी अपॉन ए सी. एब्सोल्युटली करेक्ट बजा, एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट? नाउ टेल मी वन थिंग. अब अगर इन इनमें से एक को दूसरे के टर्म्स में एक्सप्रेस करना हो तो कर सकती हूँ, हाँ या ना? जैसे अगर मैं ए बी को बी सी के टर्म्स में क्या लिख सकता हूँ? ए बी इज इक्वल टू बी सी साइन थीटा, हाँ या ना? राइट. Yes, sir. उसी तरह से मैं क्या लिख सकता हूँ? ए सी इज इक्वल टू बी सी कॉस थीटा, करेक्ट? Yes, sir. ये चीजें याद रहेगी कि कैसे आप, अगर सपोज ये जो बी सी, अगर मैं इसको कह लू आर, क्या कह दू? आर. तो अब ये बेस कितना हो जाएगा? बोलो ये कितना हो जाना चाहिए? पढ़ के बताओ, फ्रॉम दी इसको देख के बताओ, ए सी की क्या वैल्यू हो जा रही है? बोलो आर कॉस थीटा, हाँ या ना? Yes, sir. होगा. So this will be yes, r cos theta. और ये कितना हो जाना चाहिए बोलो? AB. AB should be. यहाँ से देखिए बोलो. R. BC की वैल्यू r हो जाए तो. Yes sir. R sin theta. R sin theta. Very good बच्चा. Very good. So you will call this perpendicular as r sin theta. ये बात clear है? अच्छे से, है ना? तो ये एक और बेसिक्स हैं जो आपको काम आने वाले हैं जब हम आगे बढ़ेंगे, राइट? अच्छा, अब एक खास तरह के ट्रायंगल के बारे में लिखो, स्पेशल टाइप ऑफ ट्रायंगल. राइट, तो इस ट्रायंगल के लिए खासियत ये होती है कि हमारे पास अगर सपोज इस ट्रायंगल में मैं कुछ मेजरमेंट्स ले रहा हूँ, ठीक है, देखना यहाँ पर. इसको मैं लिख देता हूँ 5, इसको मैं लिख देता हूँ 3, और इसको मैं लिख देता हूँ लेट अस टेक दिस एज 4, ठीक है. ये एक राइट ट्रायंगल है, इसीलिए इसका एक साइड, एक एंगल कितना हो जाएगा बच्चा? बोलो 90 डिग्री. एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी करेक्ट बच्चा. अच्छा, अब एक बात देखो, ये जो एंगल जो 5 और 3 के बीच में है, इस ट्रायंगल, इस एंगल को मैं नाम दे रहा हूँ 53 डिग्री. कितना नाम दे रहा हूँ? 53 डिग्री. ये गैस करके बता सकती हो कि ये एंगल कितना हो जाएगा? Yes, sir. बताओ, कैलकुलेट करो. Yes, sir. So, 37 डिग्री. 37 डिग्री, वेरी करेक्ट बच्चा. कैसे किया कैलकुलेट? सर, बाय द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल प्रॉपर्टी. कितना होता है वो? कितना होता है सम ऑफ ऑल? 180 डिग्री. एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चा, एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है, तो अब मुझे बताओ इसमें से ये कैलकुलेट कर सकते हो क्या? ये तीन वैल्यूज निकाल के बताओ, इनफैक्ट ये 9 वैल्यूज निकाल के बताओ. साइन ऑफ 37, कॉस ऑफ 37, राइट, टैन ऑफ 37, उसी तरह से साइन ऑफ 53, साइन ऑफ, सो वी टेक कॉस ऑफ 53 डिग्रीज, उसी तरह से टैन ऑफ
53 degrees, right? Then you have, let's say, chalo ye values to karke dikhai. Yes, bacho. Yes. Go ahead, tell me the six values one by one. Pehle likh lo, take a minute, write all of them, and then exhaust them. Theek hai? Right, bacho? Sir, can you please repeat it once again? हाँ, तो देखो आपको बताना है कि साइन 37 की वैल्यू यहाँ से कितनी होनी चाहिए. साइन 37 के लिए मतलब हम देखना ध्यान से, मुझे इस साइन ऑफ दिस एंगल यानी कि 37 का साइन मैं ले रहा हूँ, तो उसके लिए बताओ परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा 37 के लिए? एसी. एसी, एब्सोल्युटली करेक्ट. तो बोलो एसी की क्या वैल्यू दी है क्वेश्चन में? 3. अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन सा हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज तो हमेशा बीसी रहेगा, राइट? तो उस हिसाब से यहाँ पर एक शॉर्टकट भी लिख लो. ओके सर, आई गॉट इट नाउ. समझ आया? ओके यस सर. ओके गो, ग्रेट, गो अहेड एंड कैलकुलेट दीज वैल्यूज एंड टेल मी. बोलो बच्चा, एक मिनट ले लो, राइट, एंड टेल मी. यस सर. जस्ट से सर डन एंड देन यू कैन टेल, राइट? So done. Done? Okay. ठीक है बच्चों. So बताओ क्या क्या values होंगी, बोलो. Sir, cos 37 degree will be 4 upon 5. Cos 37 is 4 by 5, बिल्कुल सही. Tan 37 degree is 3 upon 4. 3 by 4, absolutely correct बच्चों. Next बताओ. Sin 53 degree will be 4 upon 5. 4 upon 5. Okay. क्लियर हो गया ना कॉन्सेप्ट में क्या काम कहाँ काम आएगा? अभी देखो आपके पास ना, जब आप चैप्टर में जाओगे, आपके पास एक चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन. क्या नाम है? लॉज ऑफ मोशन. इसी तरह से ये चैप्टर और भी काफी सारे चैप्टर्स होंगे जहां पे आपको ये वैल्यूज डायरेक्टली गेस करनी है. कौन सी? क्लास 12th में भी इनफैक्ट. कौन सी? साइन ऑफ आपसे डायरेक्टली बोल दिया जाएगा 53 की वैल्यू. तो आपको याद रहना चाहिए कितनी होनी चाहिए साइन 53. बोलो 4/5, राइट? लेकिन अगर कभी भूल भी गए तो उसका एक शॉर्टकट है क्या, कि जो भी एंगल 4 और 3 के बीच में है, जैसे यहाँ देखो ये 4 और ये 3, इनके बीच में जो भी एंगल है वो हमेशा कितना होगा? बोलो 90. दिख रहा है ना ट्रायंगल को? देखो 4 और 3 के बीच में एंगल कितना है? 90, राइट? योर वॉइस इज नॉट क्लियर. अच्छा अच्छा, ओके, आई रिपीट माई सेल्फ. देखो 4 और 90 के बीच में जो एंगल है वो कितना है? 4 और 3 के बीच में जो एंगल है वो कितना है? 90, राइट? बच्चा आवाज आ रही है? नहीं सर, अभी पहले नहीं आया. अभी क्लियर है, राइट? बच्चा अब आवाज क्लियर है? वॉइस इज नॉट. अच्छा कट रही है क्या आवाज? व्हाट इज द डिफिकल्टी दैट यू आर फेसिंग? सो आवाज कट रही है. अच्छा अच्छा, इज इट स्टिल हैपनिंग? इज इट स्टिल हैपनिंग? नो सर, नाउ इट इज क्लियर. नाउ इट्स क्लियर, ठीक. ऑलराइट, तो एज आई वाज सेइंग कि आपके पास दिस इज 4, दिस इज 3, इनके बीच का एंगल हमेशा कितना होना चाहिए? 90. कितना होना चाहिए? 90. और देखो एक और ट्रिक, जो एंगल 5 और 3 के बीच में वो कितना है? देखो 53. हाँ या ना? इजी रहेगा याद रखना? यस सर. है ना, ठीक है. रब कर दो जो भी आपने बोर्ड पे लिखा है, लिख लिया है बच्चा अपने पास? यस सर. ठीक है, देन आई विल रब इट आउट.
ये जो वैल्यूज है ना, ये सब कहाँ जानी चाहिए? कौन सी किताब में? बोलो, आपकी फॉर्मूला कॉपी में, राइट? यस सर। ठीक है, तो आप लोगों के लिए केपीएस अभी चालू नहीं हुआ है बच्चा? So your voice is not coming clear. Okay, I was just asking, आप लोगों के लिए बच्चा अभी स्कूल चालू नहीं हुआ है? Yes, sir. Like it's yet to start, is that so? Sir, अभी कोई clarification नहीं है उसमें, इसलिए सिर्फ online classes ही चल रही हैं। अच्छा, online classes चालू है, right? Online classes तो चालू है। Yes, sir. Okay, right. ठीक है बच्चा, so continuing with where we were. So, अभी आपने पढ़ा अबाउट सम कॉन्सेप्ट अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्री से हमने साइन कॉस थीटा को दोबारा से रिवाइज किया और हमने कुछ रिलेशंस देखे, ठीक है? यानी कि जो एक खास तरह के ट्रायंगल के लिए क्या वैल्यूज होती हैं साइन कॉस और टैन की, वो देख लिया, राइट? ठीक है, अभी कहाँ जाना चाहिए? आपकी फॉर्मूला कॉपी में, राइट? चले जाएगा ना एम्या, दिस फॉर्मूला कॉपी, राइट? ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट बच्चा, हम लोग अब देख रहे हैं सम रिलेशंस इन ट्रिग्नोमेट्री। लिख लो सम कॉमन रिलेशंस, सम फ्रीक्वेंटली यूज्ड रिलेशंस। लिख लिया बच्चा? यस सर। ऑलराइट राइट, सो वी आर स्टडिंग सम ऑफ द रिलेशंस, जिसमें से फर्स्ट रिलेशन इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, राइट? नाउ लेट अस सी व्हाट आर द अदर रिलेशंस दैट आर दैट यू आर सपोज टू रीड। सो द अदर रिलेशंस दैट यू आर सपोज टू रीड आर यू एबल टू सी माई स्क्रीन बच्चा? यस सर। Like, can you see the different formulas I've written here in sine 2 theta, cos 2 theta? Yes, sir. Okay. So, yahan par dekho, can you see these formulas? I'll just bring my text here. So, or maybe I'll write it down separately for you as you wish. So, ab kuch formulas hain jo main aapke liye share kar raha hoon. These formulas are basically the formulas which are relations between sine between sine, cos or tan of 2 theta and theta, 2 theta and theta, right? So, jaise I'll be giving these formulas one by one. Yahan likho, next pehla formula likho, sine 2 theta is equal to kya hoga bolo, 2 sine theta into cos theta. Bolo ek bar ise. Sine 2 theta is equal to 2 sine theta into cos theta. ठीक है, अच्छा, अब अगर सपोज मैं यहाँ 2 थीटा को रिप्लेस कर दूं थीटा से, तो थीटा किससे रिप्लेस हो जाएगा? थीटा बाय 2 से। क्लियर हो रहा है? तो इसका मतलब अब अगर मैं लिखना चाहूं साइन थीटा को, तो मैं क्या लिख सकता हूं बोलो? 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। क्लियर है क्या ये बात बच्चा? यस सर, है ना? अच्छा, अगला रिलेशन लिखो, cos 2 थीटा, लिखो cos 2 थीटा इज इक्वल टू, लिख लिया cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। लिख लो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। लिखा बच्चा? यस सर। ठीक है, सी को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या लिख सकते हैं? 2 cos square theta minus 1 minus 1। लिख लिया आपने अपने पास, कॉपी डाउन किया? यस सर। ठीक है, अगला लिखो, इसी cos 2 theta को ही आप एक और फॉर्मूला में लिख सकते हो, एंड द फॉर्मूला इज इन टर्म्स ऑफ sin theta आपके पास, 1 minus 2 sin square theta। लिख लो,
हो गया क्या बच्चा? यस सर। ठीक है, अब एक और फॉर्मूला लिखो, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। लिख लो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यस सर। लिख लिया बच्चा? यस सर। ठीक है, याद हो गए? सब पूरे तो याद नहीं है। कोई भी एक बोलो, tan 2 थीटा का बोलो क्या होगा फॉर्मूला, रिपीट करो पढ़ के। tan क्यूब थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये क्या है, tan 2 थीटा का फॉर्मूला है। ठीक है, इसी तरह से सपोज जैसे अब ना मैं यहाँ पर इसको सपोज tan थीटा के लिए लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा बोलो, tan थीटा विल बी इक्वल टू 2 tan थीटा बाय 2 राइट होल बाय, बोलो क्या होना चाहिए, होल बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। आया ना, ये सिमेट्री देख पा रहे हो आप? मैंने क्या किया यहाँ पर, जहां जहां पे थीटा था वहां वहां क्या बना दिया, थीटा बाय 2, और जहां पे 2 थीटा था वहां क्या ले आया, थीटा। कनेक्ट कर लोगे बच्चा? यस सर। पक्का? यस सर। ठीक है, अच्छा, सो बेसिकली दिस वाज द फर्स्ट थिंग जो मैं आपको समझाना चाहता था, दैट इज डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्या क्या साइन थीटा कॉस थीटा एक्सेट्रा में फॉर्मूलाज होते हैं, कैसे कैसे आप साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा को अलग अलग रिलेशन से कंबाइन करते हैं, राइट? सो दीज आर सम ऑफ द ट्रिक्स एंड फॉर्मूलाज व्हिच आई वांटेड टू टेल। अब इसी में सपोज आपको मैं कहूं भाई कॉस थीटा का फॉर्मूला लिखो साइन थीटा बाय 2 के टर्म्स में, तो कैसे लिखोगे? देखो ये देखो, अभी अपन ने किसका फॉर्मूला लिखा है, कॉस 2 थीटा का। अब कॉस थीटा का लिखो सिमिलरली फॉर्मूला क्या होगा थीटा बाय 2 के टर्म्स में। लिखो यहाँ पर तीन फॉर्मूलाज क्या क्या होने चाहिए बोलो, cos थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाय 2। आया ना? यस सर। राइट, नेक्स्ट वाला बोलो कैसा होगा, cos थीटा विल बी गिवन एज 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1। आया ना? यस सर। अगला क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस बोलो 2 sin square 2 sin square theta upon 2। Absolutely correct। बच्चा मुझे एक बात बताओ, इनमें कोई फर्क है क्या या दोनों सेम है, sin square theta whole by 2 और sin square theta by 2 और sin of theta by 2 का whole square, ये तीनों अलग अलग हैं, सेम है या इन दोनों में से कोई सेम है कोई अलग है? सो लास्ट वाला अलग है क्योंकि वो अपॉन 2/4 हो जाएगा स्क्वायर की वजह से। देखो मैं आपको ये समझाना चाहता था, देखो अब यहाँ पर हमारे पास दिस एक्चुअली जब देखोगे ना तो सेकेंड और थर्ड वाला सेम है जबकि फर्स्ट वाला इनसे बिल्कुल डिफरेंट है। क्या कहा मैंने कि ये जो फर्स्ट वाला है दिस बेसिकली मीन्स मैंने साइन का थीटा साइन थीटा लिया इसका स्क्वायर किया और फिर डिवाइडेड बाय क्या कर दिया 2। ये मुझे क्या देगा द फर्स्ट एक्सप्रेशन। ठीक है, अब सेकेंड एक्सप्रेशन में क्या मतलब है कि मैंने साइन ऑफ थीटा बाय 2 लिया और फिर उसका क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, तो उसको मैं कैसे लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। क्लियर है क्या? यस सर। और उसी को देखो मैंने लास्ट वाले फेज में वही चीज लिखी हुई है। हाँ या ना? यस सर। अब ये याद रहेगा अच्छे से? यस सर। है ना कि कैसे साइन ऑफ थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर इज डिफरेंट फ्रॉम साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, राइट? ये दोनों का डिफरेंस क्लियर हो रहा है ना बच्चा, जो हमने एक्सप्रेशन लिखे सेकेंड और थर्ड एक्सप्रेशन जो हमने लिखा है यहाँ पर, ये सेकेंड और ये थर्ड एक्सप्रेशन आर वन एंड द सेम जबकि फर्स्ट एक्सप्रेशन इज डिफरेंट फ्रॉम बोथ ऑफ देम, राइट? Does it make it clear? Yes, sir. पक्का? Yes, sir.
राइट। तो ये आपके लास्ट क्लास का या अब तक जो भी मैंने पढ़ाया है, एटलीस्ट फॉर दिस चैप्टर, जस्ट फॉर दिस चैप्टर उसके बेसिक्स हैं। देखो कुछ बताओ अगर आपको कुछ पूछना हो या कोई ऐसी बात हो जो ना क्लियर हुई हो, नाउ लेट मी नो। यस बच्चा, एनीथिंग? No, sir, everything is clear. एकदम अच्छे से? Yes, sir. है ना? Okay. Anything apart from this about the course, content, syllabus, कुछ और पूछना हो? No, sir. ठीक है. All right. एक मिनट बच्चा। जो भी हमने आज पढ़ा क्लास में सब एकदम अच्छे से क्लियर हो गया, राइट? यस सर। देखो अभी एक बार जो भी मैंने पढ़ा है उन सारे नोट्स को दोबारा से पलटो। देखो हमने क्या क्या पढ़ा, मैं एक मिनट के अंदर रिवाइज कर रहा हूँ। देखो हमने आज की क्लास में शुरुआत की किससे, आप ही बताओ। चलो एक समराइज आप ही वर्जन दो, विद इन 2 मिनट्स, विद इन 3 मिनट्स डिस्क्राइब वॉट एवर वी हैव रेड इन टुडेज क्लास। यस बच्चा, from your notes से एक बार देख के बोलते जाओ। yes बच्चा। yes sir, firstly we started from quadratic equation। नहीं उसके पहले in general हमने क्या पढ़ा, शुरुआत से बोल। हाँ। okay sir, so purpose of physics। ठीक है बताओ क्या purpose है शुरुआत से। to gain knowledge। ठीक है। and in order to know world। करेक्ट। हाँ आगे बोलो। then the use of physics in the field of medical। right। then about the competitive exam and then books। then we proceeded to quadratic equation। This is a then, part of which chapter? Mathematical tools, right? Mathematical tools of physics. ठीक है, right? आगे बोलो। हाँ। Then we deal with a formula, about x is equal to minus b up plus minus under root b square minus 4a upon 2a. Right. Absolutely correct. Yeah. उसके बाद then we stepped into trigonometry. Then we learned about sine theta, cos theta, tan theta. Right. Then some frequently used relations. इसके अलावा हमने कुछ और देखा ना, sine किसकी values देखी? Sine 37. Yes sir, your voice is not clear. Okay. Sine 37, cos 37, right? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, correct. आगे बोलो. Then some frequently used relations. Right. In trigonometry, correct? Yes, sir. तो अब next class से पहले क्या करना है? जो भी आज हमने relations पढ़े इनको आपको कम से कम 4 to 5 times इनको प्रैक्टिस करना है, लिख कर। ठीक है, हम जो इसके आने वाले समय में क्वेश्चंस या फिर एप्लीकेशन देखेंगे ना उसमें तो अपने आप याद हो ही जाएगा, लेकिन वो टाइम आने से पहले आपको लिख के याद करना है। क्लियर है क्या बच्चा? यस सर। मतलब ये डॉजिंग इतना अच्छे से याद होना चाहिए कि मैं आपसे रात को उठा के पूछूं कि बच्चा बताओ मॉर्निंग 4 o'clock की साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, तो आपके अंदर से तेजी से जवाब आएंगे सर sin square theta plus cos square theta is equal to 1। क्लियर है क्या बच्चा? यस सर। है ना, कि एकदम फुर्तीले ढंग से ये सारी चीजें दिमाग में होनी चाहिए और जैसे ही मैं पूछूं कहां पर क्या एप्लीकेशन आ रहा है तो तेजी से यू शुड बी एबल टू कनेक्ट एज अ स्टूडेंट, राइट? ठीक है बच्चा, क्लियर एकदम अच्छे से? यस सर। ऑलराइट बच्चा, देन वी लॉग ऑफ फॉर द डे। वी लॉग ऑफ, इन केस यू हैव एनी क्वेरीज तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज वी लॉग ऑफ, राइट?
पूछ लो इफ देर इज एनी थिंग रिगार्डिंग द कोर्स जो अभी भी अनक्लियर हो सपोज राइट ऑल्दो आई हैव प्रोवाइडेड मच डिटेल्स बट देन स्टिल अगर कुछ हो जो आप पूछना चाहते हो तो पूछ लो एनीथिंग नो सर एवरीथिंग इज क्लियर एवरीथिंग इज क्लियर ठीक है एनीथिंग अबाउट द सिलेबस और जेई और नीट एग्जाम कुछ और जानना हो कुछ पूछना हो नो सर क्लियर है सब यस सर ठीक है all right then Enya, right? Am I clear with the pronunciation this time? Yes, sir. Right. ठीक है Enya बच्चा then I will log off.